दोस्तों, जब मैं लाइव चैनल चेकिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपने वीडियो में अच्छे से टाइटल नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग अपने वीडियो में अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे थे जो कि अपने वीडियो में टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहे थे। और बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि टेक्स्ट आखिर होता क्या है। अगर आपके यूट्यूब चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर है और आप अच्छे से टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हो तो यूट्यूब आपके वीडियो के इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाता, जिससे कि आपके वीडियो में व्यूज आने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो में अच्छे से टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों, चलिए हम अपने लास्ट वीडियो से एक रैंडम कमेंट को पिक करते हैं और उसके चैनल को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे जो चैनल प्रमोशन के विनर है उनके चैनल का नाम है क्रेजी जय वाटी। तो भाई के चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद भाई को जाकर जरूर से सपोर्ट करना। और अगर आप भी मुझसे अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक अच्छा सा कमेंट कर देना होगा। उसके बाद मैं आपके कमेंट को पिक करके अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी वीडियो का लिंक लगा दूंगा। और अगर आप अपना वीडियो मुझसे मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करवाना चाहते हो तो आगे वीडियो में आप लोगों को एक प्रमोशन कोड मिल जाएगा। उस प्रमोशन कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, फिर मैं आपकी वीडियो को अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। तो चलिए, अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना होगा। चलिए, मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपलोड अ वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि आपका वीडियो प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर अनलिस्टेड है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो प्राइवेट है, तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो को प्राइवेट अपलोड करना होगा या फिर अनलिस्टेड अपलोड करना होगा। तो मैंने प्राइवेट को सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने वाटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। चलिए, मैं वाटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। वाटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए, मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने वीडियो के टाइटल को लिखना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने वीडियो के टाइटल लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर मेरी वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब में जाना होगा और यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना होगा यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। इस तरह से आपको अपने वीडियो के टाइटल को सर्च करना होगा। वीडियो के टाइटल को सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो जो वीडियो सबसे ऊपर रैंक करेगा उस वीडियो के टाइटल को कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पे आपको अपने वीडियो के टॉपिक को सर्च करना होगा और जो वीडियो सबसे ऊपर आएगा उसके टाइटल को कॉपी कर लेना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो इसी टॉपिक को आपको अपने वीडियो के टाइटल में लिखना होगा। चलिए, मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टिक डाल देना होगा। स्टिक डालने के बाद आपको फिर से यूट्यूब में जाना होगा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर या फिर तीसरे नंबर का वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइटल में लिखा है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तो आपको फिर से अपने वाटी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और यहाँ पे लिख देना होगा हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपनी वीडियो के टाइटल लिखने होंगे। यहाँ पे अगर आपको जगह मिलता है तो आप और टाइटल लिख सकते हो या फिर अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। आप चाहो तो और भी टाइटल लिख सकते हो। तो दोस्तों, आपको अपने हर वीडियो में कम से कम दो टाइटल लिखने होंगे। टाइटल लिखने के बाद आपको इस टाइटल को कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना होगा और यहाँ पर अपने टाइटल को पेस्ट कर देना होगा। चलिए, मैं टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल पेस्ट होने के बाद आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे। चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपने नोट में पहले से ही डिस्क्रिप्शन को लिख के रखा हूँ, तो आप भी नोटबुक में डिस्क्रिप्शन को पहले से लिख के रख सकते हो या फिर आप अपलोड डिफॉल्ट में सेव करके रख सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ से अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आगे यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दिया है, तो जो भी मैं अपने वीडियो में बताने वाला रहता हूँ उसे आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके आगे मैंने लिखा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थोड़ा सा नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने ईमेल आईडी डाल के रखा है, तो आप भी अपनी ईमेल आईडी को डाल के रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, ट्विटर का लिंक डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे यूआर क्वेरीज लिख दिया है, और यहाँ पे मैं बहुत सारे टैग लगा देता हूँ और टैग के नीचे में हैशटैग लगाता हूँ।
तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे टैग लगाने होंगे। तो दोस्तों टैग लगाने के लिए आप एक एप्लीकेशन की मदद ले सकते हो, उससे पहले मैं इसे सेव करके रख देता हूँ। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा टैग यू। जैसे आप टैग यू सर्च करोगे आपको फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो गाइस मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फाइंड कॉम्पिटिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो के टाइटल को सर्च करना होगा। चलिए मैं अपने वीडियो के टाइटल को सर्च करता हूँ, YouTube सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तो इस तरह से आपको अपने वीडियो के टाइटल को लिखना होगा। टाइटल को लिखने के बाद आपको चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों YouTube में रैंक करने वाले टॉप 5 वीडियो का आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको कीवर्ड को कॉपी कर लेने होंगे। आपको जो जो कीवर्ड पसंद आता है आपको उस कीवर्ड को कॉपी करने होंगे। तो कीवर्ड को कॉपी करने के लिए आपको सिंपल उस पर क्लिक करने होंगे। क्लिक करके आपको कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेने होंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको उसके यूट्यूब चैनल का नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसके चैनल के नाम को कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपको कीवर्ड को कॉपी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कीवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ, तो आपको जो जो कीवर्ड पसंद आता है आपको उस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेने होंगे। तो यहाँ से मैं बहुत सारे कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं कीवर्ड को सिलेक्ट करता जाता हूँ। यहाँ से मैं बहुत सारे कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों मैं इतना ही कीवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो बहुत सारे कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जब अपना वीडियो अपलोड करता हूँ तो इससे भी ज़्यादा कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कीवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जितना भी आप टेक सिलेक्ट करोगे वो सब कॉपी हो जाएगा। तो टेक को कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और उसके बाद आपको फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको देखना होगा कि आपने योर क्वारीज कहाँ पे लिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है योर क्वारीज। तो यहाँ पे आपको अपने टेक को पेस्ट कर देने होंगे। टेक को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके रखने होंगे। उसके बाद आपको पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका टैग यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे ही टैग को सेव नहीं करना है। आप देख सकते हो सभी टैग के बीच में एक कॉमा है, तो आपको इस कॉमा को हटाना होगा। तो चलिए मैं कॉमा को हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको कॉमा को हटाना होगा। उसके बाद आपको इसे नेक्स्ट लाइन में ले आना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉमा को देखना होगा और इसे कट करना होगा और इसे भी नेक्स्ट लाइन में ले आना होगा। इस तरह से आपको सभी कॉमा को कट करना होगा। जैसे कि मैं कॉमा को कट कर रहा हूँ, तो आपको पूरे कॉमा को कट करना होगा। कॉमा को कट कर करके दूसरे लाइन में इसे ले आना होगा। तो इस तरह से मैं सभी कॉमा को कट कर देता हूँ। अगर आप कॉमा को रखते हो तो आपको YouTube मोनिटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका चैनल मोनिटाइज है तो आपके चैनल का मोनिटाइजेशन डिसेबल भी हो सकता है। तो आपको कॉमा को हटाना जरूरी है। तो यहाँ से आपको कॉमा को हटा देना होगा। तो एक एक करके दोस्तों सभी कॉमा को हटा देना होगा। कॉमा को हटाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे हैशटैग लगाने होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम लिखा हूँ हैशटैग में, तो यहाँ पे आपको हैश लिखना होगा। जैसे ही आप हैश लिखोगे YouTube आपको खुद से हैशटैग सजेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है टेक महेंद्र कुमार ग्रो YouTube चैनल, तो यहाँ पे मैं ग्रो YouTube चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाना होगा और फिर से हैश लिखना होगा और यहाँ पे आपको फिर से हैशटैग लगा देना होगा। तो यहाँ पे आप 5-6 हैशटैग लगा सकते हो। तो चलिए मैं कुछ हैशटैग लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपको हैशटैग लगाने होंगे। हैशटैग लगाने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको सबसे नीचे आना होगा। सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एड टेक्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको अपने टेक को यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेक को कट करने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक को कट कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक टेक को छोड़ने होंगे, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेने होंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक टेक बचेगा और बाकी टेक कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपको नीचे में एक कट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका टैग लग जाएगा, या फिर आप क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड पर डायरेक्ट टैग को पेस्ट कर सकते हो। और अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाना नहीं चाहते हो तो इस तरह से एक एक करके आपको सभी टैग को लगाने होंगे। सिर्फ आपको एक टैग को छोड़ने होंगे, उसके बाद बाकी टैग को सिलेक्ट करने होंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कट करना होगा। कट करने के बाद आपका टैग फिर से लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपने टैग को पेस्ट करने होंगे और फिर से कट करने होंगे। इस तरह से दोस्तों आपको अपने वीडियो में टैग लगाने होंगे। दोस्तों आप अपने वीडियो में 500 वर्ड तक टैग लगा सकते हो, तो आपको पूरे 500 वर्ड तक टैग लगाने होंगे। इससे आपका वीडियो सर्च में जल्दी आता है और YouTube आपके वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भेजता है, तो आपको पूरे टैग लगाना जरूरी है। चलिए मैं जल्दी जल्दी टैग लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो में बहुत सारा टैग लगा चुका हूँ,
इस तरह से आपको अपने वीडियो में बहुत सारे टैग लगाने होंगे, आपको पूरे 500 वर्ड तक टैग लगाने होंगे। आप चाहो तो टैग में अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हो। चलिए मैं अपने चैनल का नेम भी लिख देता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नेम भी लिख दिया है। दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपके टैग के अंदर कॉमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके टैग के अंदर कॉमा होगा तो ये सेव नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से मैंने टैग को लिखा है। टैग लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा। ऊपर आने के बाद आपको ए टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको इस वीडियो को कोई भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद आपको ऊपर आना होगा। ऊपर आने के बाद आपको अपने वीडियो में थंबनेल लगाने होंगे। थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर में सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिलेक्टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर आना होगा। ऊपर आने के बाद अगर आपकी चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन है तो आपको अपने वीडियो की मोनिटाइजेशन को ऑन कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो की मोनिटाइजेशन को ऑन कर देता हूँ। जब आप अपने वीडियो का मोनिटाइजेशन ऑन करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सभी ऐड है वो सब टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ऐड पहले से टिक है, तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मोनिटाइजेशन को ऑन करने के बाद आपको प्राइवेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपको बैक आकर अपने वीडियो को सेव कर लेना होगा। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो को अभी अपलोड नहीं करना चाहता, तो मैं इस वीडियो को प्राइवेट रहने देता हूँ। आपको यहाँ पे पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपके वीडियो का टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा होगा, तो यूट्यूब आपके वीडियो का इंप्रेशन बहुत लोगों तक भेजेगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।